हाय फ्रेंड्स, ईबीपीसीएल के 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज आप लोगों के लिए एक विशेष टॉपिक लेकर के आया हूँ, कॉम्प्लेक्स नोटेशन मेथड। इस विधि के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इस विधि के द्वारा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का समावेश देखेंगे। और इस विधि में सम्मिश्र अंकन विधि, इस विधि से रिलेटेड अभी हाल ही में 9/10/2023, मतलब जस्ट कल, मतलब पिछले दिन, आज 10 है, 9 तारीख को जो एसएससी जेई का पेपर हुआ था, एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स, तो इसमें जो है इस वाले टॉपिक से लगभग तीसरी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो बेथा इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो इस टॉपिक को आप लोग छोड़ना नहीं फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखना। हम वीडियो में प्रत्येक जो यहाँ पर आपको जो ये समावेश दिखा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो ये दिखाई दे रहा है, इनमें तीनों के बारे में फुल डिटेल आपको बताने वाला हूँ, और इनसे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चालू करते हैं वीडियो को, देर नहीं करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। और वीडियो को देखने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, वीडियो प्रतिदिन अपलोड किया जाता है, वीडियो को आप जरूर देख लिया करें, क्योंकि वीडियो में कोई ना कोई टॉपिक हमारा जो भी डाला जाता है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड किसी भी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए हैं, परंतु मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि किसी परिपथ की प्रत्यावर्ती राशियाँ, जैसे वोल्टता, धारा, शक्ति, प्रतिबाधा, और इसके साथ साथ में और होती हैं फ्रेंड्स, फ्लक्स भी जो है ये परिवर्ती राशि के अंतर्गत आता है, को सम्मिश्र संख्या द्वारा प्रकट किया जा सकता है। ठीक है, सम्मिश्र संख्याओं के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय द्वारा सदिशों को सरलता पूर्वक तथा शीघ्र हल किया जा सकता है। सदिशों को हल करने के लिए निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि जो सम्मिश्र संख्याएं हैं या जो परिवर्ती राशियां होती हैं, उन राशियों को जल्दी से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, उनका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, और जिससे कि हम आसानी से इनका हम जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी होता है बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स, पहली विधि जो है उसको हम सांकेतिक अंकन विधि कहते हैं। ठीक है ना, और इसी का एक दूसरा नाम होता है आयताकार विधि। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, अभी डिटेल में बताएंगे। ठीक है, आयताकार आयताकार विधि भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, आयताकार विधि भी इसी को कहा जाता है। और नेक्स्ट है त्रिकोणमितीय विधि, इसको ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म कहते हैं। तीसरा है घातीय विधि, इसको एक्सपोनेंशियल या चर घातांक विधि भी कहते हैं। ठीक है ना, चर घातांक विधि भी कहते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो लेट हो गया है, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम की तरफ गया था, और फ्रेंड्स पेपर बहुत ही अच्छा आ रहा था यूपीपीसीएल का और उसका एसएससी जेई का। तो फ्रेंड्स, इसी कारण आज रिटर्न आया हूँ, कल आप लोगों का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, आज रिटर्न आया हूँ और थोड़ा सा लेट हो गया था, इस कारण से आज वीडियो आप लोगों के पास लेट पहुँच रहा है। और वैसे प्रतिदिन हमारा वीडियो जो है 8:30 PM को लाइव क्लास रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका ध्रुवीय रूप या पोलर फॉर्म। ठीक है, तो इनका डिटेल देखते हैं, चलते हैं आगे। इसका जो पहला विधि है आपका सांकेतिक अंकन या जे अंकन, इसका दूसरा नाम है। ठीक है ना, सिंबॉलिक नोटेशन। इसमें क्या दिया गया है, इसके डिटेल में पढ़ते हैं जरा। यहाँ लिखा है, इस विधि के द्वारा किसी सदिश राशि को बीजगणितीय रूप में उसके आयताकार अवयवों, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि बता रहे थे, सांकेतिक अंकन विधि है, इसको हम आयताकार विधि के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इसलिए इस विधि को हम आयताकार या
रेक्टेंगुलर का कार्तीय रूप, ठीक है ना, कार्तीय रूप अंकन विधि भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जरूर याद रखना, इस विधि को हम आयताकार की और किस विधि के नाम से जानते हैं, कार्तीय अंकन विधि के या कार्तीय रूप के अंकन विधि के नाम से जानते हैं, सांकेतिक विधि या जे अंकन विधि को। इसमें आगे के दिए गए, जब एक बिंदु पर क्रियाशील अनेक बलों को मिलाकर एक अकेला परिणामी बनाना हो, तो इस परिणामी को ज्ञात करने के लिए इन बलों को एक दूसरे के समकोण बनाती दिशाओं में विघटित करके हल किया जा सकता है। किसी भी सदिश को एक्स घटक तथा वाई घटक में विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में चित्र यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि आगे इसमें दिया गया है, लेकिन सांकेतिक अंकन विधि में इसे निम्न रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स इक्वल टू इस प्रकार से इसको व्यक्त किया जा सकता है, ये ईएमएफ में दिया गया है। और यदि यहाँ पर हमको जेड बराबर लिखना है तो दोस्तों हम लिख सकते हैं जेड बराबर ये होता है आप आर प्लस जे एक्स, ठीक है। और यहीं पर हम लिख सकते हैं जे बराबर आर माइनस जे एक्स। अब इसमें प्लस माइनस का क्या चक्कर है, तो दोस्तों यदि यहाँ पर प्लस लगा है तो ये प्रदर्शित करता है आपको प्रतिघाती को, ठीक है ना, प्रतिघाती फ्रेंड्स प्रेरकीय परिपथ को, ठीक है। अगर प्लस लगा है तो ये प्रेरकीय परिपथ को निरूपित करता है, ठीक है ना, प्रेरकीय परिपथ निरूपित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि प्लस लगा है तो ये प्रेरकीय परिपथ है, यदि यहाँ पर माइनस का यूज किया गया है तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा धारितीय रूप। क्या हो जाएगा, धारितीय रूप हो जाएगा, ये धारितीय परिपथ हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर धारितीय परिपथ हो जाएगा। और इसमें जो एक्स लगा है और जिसके साथ में प्लस है, तो इसको दोस्तों हम क्या कहेंगे, जिसके साथ में प्लस लगा हुआ है उसके एक्स को, जिसके साथ में प्लस प्लस लगा हुआ है तो प्लस के साथ जो एक्स लिखा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रेरकीय कहेंगे, ठीक है ना, इसको हम प्रेरकीय प्रतिघात कहेंगे, प्रेरकीय प्रतिघात। और प्रेरकीय प्रतिघात को दोस्तों हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात को हम एक्स एल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक्स एल जो होता है इसके इक्वल में क्या होता है, 2 पाई एफ एल होता है, ठीक है फ्रेंड्स याद रखना। ये 2 पाई क्या है, यहाँ से लिख सकते हैं एक्स एल बराबर 2 पाई एफ जो होता है ये ओमेगा होता है, कोणीय चाल होता है, ठीक है। और इनका जो मात्रक होता है फ्रेंड्स ये होता है ओम, याद रखना। जो माइनस के साथ में एक्स जुड़ा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात कहते हैं, क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात कहते हैं इसको, ठीक है, धारितीय हैं। इसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एक्स सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और एक्स सी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है वन अपान ओमेगा सी। और इसी को दोस्तों हम लिख सकते हैं एक्स सी इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 पाई एफ सी। और इनके मात्रक क्या होते हैं, इनके मात्रक भी दोस्तों होते हैं ओम, ठीक है, इनके मात्रक भी ओम होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से यदि यदि पूछा जाए कि प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो दोस्तों आपका इसमें आर जो है ये प्रतिरोध है और एक्स जो है ये आपका प्रतिघात है, ठीक है ना, ये आपका प्रतिरोध रहा, ठीक है, ये आपका प्रतिरोध रहा और ये आपका रहा प्रतिघात, ठीक है। ये दोनों आइटम आप जब निकाल लेते हैं इस समीकरणों से, ठीक है ना, इसके बाद जब प्रतिबाधा निकालेंगे तो जेड बराबर अंडर रूट और ये आर रखेंगे आर का स्क्वायर और प्लस अब ये एक्स रख देंगे एक्स का स्क्वायर, यहाँ से आपकी ये प्रतिबाधा फाइनली निकल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो रूप है आपका, ये रूप किस रूप में जाना जाता है, इसको हम सांकेतिक अंकन विधि कहते हैं और इसको न्यूमेरिकल दोस्तों इसी प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। अगर यहाँ पर समीकरण आपका ऊपर वाला समीकरण ये दे दिया और पूछ दिया किस प्रकार का समीकरण है, तो याद रखना ये आपका कौन सा समीकरण है दोस्तों, आर एल समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर जो ये एक्स है इस एक्स को हम एक्स एल के रूप में जानेंगे, यहाँ पर प्लस लगा है, ठीक है। और ये वाला नीचे वाला जो समीकरण है ये कौन सा है दोस्तों, ये वाला जो समीकरण है इसको हम आर सी परिपथ कहेंगे, आर सी परिपथ कहेंगे।
और यहां पर जो ये एक्स लिखा है इसको हम एक्स सी के रूप में जानेंगे क्योंकि यहां पर ये माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अब ये प्लस का एक्सएल और माइनस का एक्सएल और आर कहां पर प्रदर्शित किए थे, तो दोस्तों आर यहाँ होता है और यहाँ पर होता है एक्सएल और ये होता है प्लस का, और यहाँ होता है आपका एक्स सी और ये होता है माइनस का, और ये होते हैं आपके एंगल। ये कुछ भी हो सकते हैं, थीटा या पाई कुछ भी हो सकते हैं, 90 डिग्री भी हो सकते हैं, कम ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उनको याद रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट विधि जो आपका जे ऑपरेटर के बारे में वहां पर दिखाया गया है, तो ये जे ऑपरेटर क्या है, तो जे ऑपरेटर जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि अक्षर जे को उपरोक्त समीकरणों में प्रचालन, ठीक है ना, ऑपरेशन के सांकेतिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तथा संकेत जे सदिश वामावर्त, ठीक है ना, काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में 90 डिग्री घुमाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसका मान जो होता है जे ऑपरेटर का जो वैल्यू होता है ये होता है अंडर रूट माइनस का 1। इतना वैल्यू होता है फ्रेंड्स, याद रखना, ये डायरेक्ट ही यूपीपीसीएल की परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ लिखा है कारक जे ऑपरेटर जे सदिश पर दोहरा प्रचालन ऑपरेशन जे को 180 डिग्री अंश पर वामावर्त घुमाया जाता है, तथा इस प्रकार इसका मान बदल जाता है। यदि हम 180 डिग्री अगर इसको घुमाते हैं तो दोस्तों इसका वैल्यू क्या हो जाता है, जैसे जे इक्वल टू आपका अंडर रूट माइनस 1 दिया है, इसका हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो जे इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 1। तो जे का जो वैल्यू है फ्रेंड्स, जे स्क्वायर का जो वैल्यू है ये माइनस 1 होता है, इसको याद रखना। यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है जे स्क्वायर और यहाँ पर ये इसका वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखना। चलिए, और यहाँ पर जो है ना ये कंडीशन जो दर्शाई गई है, ये इसकी कौन सी कंडीशन है, ये स्थिति जो दर्शाई गई है, इसकी इस स्थिति को देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जो ये पोजीशन दिखाई गई है इसमें ये बोला गया है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस स्थिति को यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जब देखेंगे ये 90 डिग्री को दर्शाएगा जे ऑपरेटर। अब क्या करते हैं, यहाँ से यदि हम डायरेक्ट यहाँ तक लेते हैं तो ये 180 डिग्री को दर्शाएगा, फिर यहाँ से यदि हम पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर लेते हैं, ठीक है ना, तो 9 × 27 270 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, और इसमें जे का मान जो है ना माइनस जे आएगा, इसमें जे का मान माइनस 1 आएगा, इसमें जे का मान अंडर रूट माइनस का 1 आएगा। अब दोस्तों यदि हम पूरा सर्किल लेते हैं तो यहाँ पर फाइनली आपको 1 प्राप्त हो जाता है, तो जे का पावर 4 = 1 प्राप्त हो जाता है, इतना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट पोजीशन में यहाँ दिया गया है कि जो संक्षेप में लिखा है कि संक्षेप में हम यह है निम्न परिणाम पर पहुंचते हैं, जे इक्वल टू 90 डिग्री वामावर्त परिभ्रमण अंडर रूट माइनस 1, जे स्क्वायर जो होता है ये 180 डिग्री वामावर्त, मतलब ये होता है कि इस विधि में हमको घूमना है, और ये जे स्क्वायर का वैल्यू जो है माइनस 1 होता है, जे का पावर 3 का वैल्यू माइनस जे होता है, और फ्रेंड्स यहीं पर जे का पावर 4 जो होता है 360 डिग्री होता है, इसका वैल्यू प्लस का 1 होता है। याद रखना जे का पावर 4 का वैल्यू प्लस 1 और जे का पावर 2 का वैल्यू माइनस 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर बोला गया तथा क्रम से इसी प्रकार आगे भी जे का पावर 6 इत्यादि का मान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। जे का पावर 6 आ गया तो हम क्या करेंगे कि जे का पावर 6 में सबसे पहले हम 4 से डिवाइड कर देंगे, अब इक्वल टू आपका जे स्क्वायर आ जाएगा और जे स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है, अर्थात जे का पावर 6 का वैल्यू आपका माइनस 1 निकलेगा। आगे दिया गया है कि ध्यान रखने योग्य यह है कि 1/j जो होता है, ठीक है ना, 1/j जो होता है इसको हम j/j और इसका वैल्यू जो है ना माइनस जे भी होता है, ठीक है, यहीं पर जे का पावर 3 का वैल्यू भी माइनस जे होता है और यहीं पर 1/j का वैल्यू भी माइनस जे होता है। याद रखना इनका दोनों का वैल्यू एक जैसा होता है, ठीक है ना, इसका और इसका। आगे क्या दिया गया है, दो सम्मिश्र संख्याएं संयुग्मी उस समय कहलाती हैं तब उनके क्षेत्रफल घटकों के बीजगणितीय चिन्हों में अंतर हो, इस प्रकार x प्लस जे वाई तथा x माइनस जे वाई संयुग्मी हैं, इन दो संयुग्मी का जोड़ फेज में घटक या सक्रिय घटक होता है, ठीक है, तथा दोनों का अंतर
क्षेत्रफलन घटक देता है। तो इसमें ये बता रहा है कि जैसे मान करके चलिए कि कोई संख्या अगर है, यहाँ पर ये लिखा है जैसे वन अपान एक्स प्लस जे वाई लिखा है, अगर हमको इसका संयुग्म लेना है तो हम यही संख्या यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है ना, जे प्लस वाई, और यही संख्या यहाँ उतार लेंगे एक्स जे वाई। अब जो यहाँ पर जो ये माइनस का निशान दिखाई दे रहा है आपको ऊपर, ठीक है ना, ये जो माइनस का निशान दिखाई दे रहा है वो निशान यहाँ पर विपरीत कर देते हैं, और ये वैल्यू जो फाइनल बनती है जा करके, तो दोस्तों ये हो जाता है एक्स माइनस जे वाई, और अपान यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और फिर हो जाएगा आपका माइनस, और ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस का जे का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका वाई का स्क्वायर। इस वैल्यू में से जो माइनस का जे स्क्वायर है इसका हम जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, जे केवल यहाँ पर बचा हुआ है और ये माइनस आगे आ गया, तो जे स्क्वायर जब हम करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा एक्स माइनस जे वाई अपान, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का वन, जे स्क्वायर का मान माइनस वन, और ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर। तो दोस्तों ये फाइनल वैल्यू आपकी निकलती है जे वाई, और यहाँ पर हो जाता है आपका एक्स वाई का स्क्वायर, ये वैल्यू हमको प्राप्त हो जाती है, ठीक है, ये वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। अब मान कर चलिए यहीं पर यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, और नीचे डिटेल लिखते हैं उसके बाद आगे। तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है सदिशों का त्रिकोणमितीय, ठीक है ना, रूप से प्रदर्शन। तो सदिशों का जो त्रिकोणमितीय रूप है इसको हम किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, कि जो जे ऑपरेटर होता है उसको हम यहाँ रखते हैं और वास्तविक अक्ष जो होता है उसको हम यहाँ रखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, कुछ नहीं, बहुत सब चीज आसान होती है, बड़े आराम से इसको हम जो योग योग ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ई साइन होता है, लंबवत हम साइन को लेते हैं और क्षैतिज रूप में हम कॉस को लेते हैं, और बस कुछ नहीं, अब यहीं से हम जो परिणामी निकालेंगे ये परिणामी निकाल लेते हैं, और परिणामी के लिए आपका फाइनली फॉर्मूला ये बनेगा, और ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो फ्रेंड्स हम प्लस चिन्ह का यूज करते हैं, अगर नीचे से आते हैं तो फ्रेंड्स हम माइनस चिन्ह को यूज करते हैं। ऊपर की वैल्यू अगर आपको प्लस का चिन्ह समीकरण के बीच में मिले, जैसे कि आपको यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है, तो ये समीकरण आपका कैसा है, ये समीकरण आपका प्रेरकीय है, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखना ये समीकरण आपका प्रेरकीय है, और इसमें आपको एक्सएल का वैल्यू प्राप्त होगा, और अगर यहाँ पर माइनस लगा मिले, ठीक है ना, यहीं पर यदि प्लस के स्थान पर यहाँ यदि माइनस का चिन्ह मिले तो सर्किट जो है धारती हो जाता है, ठीक है ना, धारती हो जाता है, और वो वैल्यू आपको इधर से प्राप्त होगी, ठीक है दोस्तों। और यहीं पर आपका क्या दिया गया है, इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई के तुल्य है कौन सा समीकरण, इक्वल टू ई, और यहाँ से दोनों स्थान से हम ई को कॉमन ले लेंगे तो इधर कॉस हो जाएगी और इधर साइन हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लास्ट में आपका जो है ना एक्स अक्ष आपका ई कॉस फाई होता है, और वाई अक्ष यहीं पर आपको प्राप्त हो जाता है क्या, ई साइन फाई, दोनों को हम प्लस माइनस दोनों तरफ से योग लेते हैं, तो ई इक्वल टू हो जाता है फाइनल ई कॉस प्लस माइनस जे। अब ये जो वैल्यू होती है दोस्तों ये किस में लिखी जाती है, ये मॉड में लिखी जाती है, ठीक है ना। तो याद रखना ये समीकरण जो आपको दिखाई दे रहा है ये समीकरण सदिशों का त्रिकोणमितीय रूप प्रदर्शन यहाँ पर दिया गया है, इसके द्वारा भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर मान लो यहाँ पर आ गया तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे मान लो उसने लिख दिया जेड बराबर 10 और यहाँ पर लिख दिया आपका कॉस 30, ठीक है ना, कॉस 30 डिग्री, और यहाँ पर प्लस दे दिया और जे लिख दिया साइन 30, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर उसने किसका मान पूछ दिया फ्रेंड्स, आर का मान पूछ दिया या फिर उसने एक्स का मान पूछ दिया, एक्सएल का मान पूछ दिया, तो क्या करेंगे इस टेन का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10, और कॉस 30 जो है इसका वैल्यू रख देंगे, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर जे हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इंटू साइन 30 का वैल्यू रख देंगे 1/2 होता है, कैंसिल कर देंगे, ये 5 आ जाएगा और ये कैंसिल कर देंगे 5 आ जाएगा, फाइनली वैल्यू आपका आएगा जेड इक्वल टू, तो दोस्तों ये हो जाएगा 5√3 और ये हो जाएगा प्लस 5j। और यहाँ से हम एक समीकरण से तुलना कर देते हैं जो कि कौन सा है, ये समीकरण यहाँ पर दिया गया है, इस समीकरण से लास्ट में तुलना कर देते हैं तो ये हो जाता है एक्स प्लस जे वाई। तो या फिर यहाँ पर लिख देते हैं आर, यहाँ जो है हम ये तुलना करवा देते हैं, ये किससे करवा देते हैं, ये आपका प्रतिरोध हो जाता है और ये आपका प्रतिघात होता है, तो
तो यहाँ से आर की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है दोस्तों, आर की वैल्यू आपकी ये आ रही है, इसमें जे ऑपरेटर नहीं होता है। आर की वैल्यू आएगी 5√3, और एक्सएल की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पर कितनी आएगी, एक्सएल की वैल्यू आएगी 5 ओम। तो ये इसके फाइनली आंसर हो जाते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन ये डायरेक्ट दे देगा और इसमें बोलेगा प्रतिरोध की गणना करें और प्रतिघात की गणना करें। तो आप यहाँ से जो है ना इस प्रकार से प्रतिरोध और प्रतिघात दोनों का वैल्यू रख करके निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूप यहाँ दिया गया है सदिशों का घातीय रूप में प्रदर्शन। तो फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहाँ पर दिया गया है तो इसका सदिशों का जो ई है इसका घातीय रूप यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हम जेड का भी घातीय रूप लिख सकते हैं, जेड का पावर प्लस माइनस, ठीक है ना, जे थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये प्रतिबाधा होती है, प्रतिबाधा जेड बराबर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और ये समीकरण जो होता है, जो यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है, ये समीकरण किसके तुल्य है फ्रेंड्स, इस समीकरण के तुल्य है। और ये समीकरण आपने कहाँ लिखा है, यहाँ पर देखा है, ये समीकरण आपने यहाँ पर देखा है, ये नीचे वाला जो समीकरण है इस समीकरण के तुल्य होता है। और ये वाला जो समीकरण होता है, ये वाला समीकरण जो होता है E इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई के तुल्य होता है। तो फ्रेंड्स अब ये जो समीकरण आप देख रहे हैं कौन सा, ये जो समीकरण देख रहे हैं ठीक है ना, कौन सा रूप, घातीय रूप। तो इस समीकरण को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए E का पावर यहाँ प्लस दिया है जे थीटा, तो इस समीकरण को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर E लिख सकते हैं और ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉस, ठीक है ना, कॉस थीटा। यहाँ अगर प्लस लगाया तो हम प्लस का चिन्ह का यूज करेंगे और जे साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है ना। और इसका वैल्यू हम फाइनली निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आपको यहाँ से ई प्राप्त हो जाएगा। यदि यहाँ दोस्तों माइनस लगा है तो हम यहाँ पर माइनस का यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ये प्लस में दिया है तो इसका मतलब है ये प्रेरकीय परिपथ है। कैसा है, प्रेरकीय परिपथ है। अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह का यूज किया गया है तो ये कैसा हो जाएगा, ये धारितीय परिपथ हो जाएगा, ठीक है, कैसा हो जाएगा, धारितीय परिपथ हो जाएगा। जैसे समीकरण दे दिया जे थीटा, तो ये दोस्तों धारितीय परिपथ है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर पावर प्लस में है तो ये प्रेरकीय परिपथ है। दोनों समीकरण सेम है, यहाँ पर आप ई लिख सकते हैं और यहाँ पर आप आपका हो जाएगा कॉस फाई और ये हो जाएगा माइनस जे, ये हो जाएगा आपका क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट। तो इस प्रकार से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर तुलना करवाया है ई का पावर जे, यहाँ दोस्तों ई और आपका आ जाएगा, ठीक है ना, ई कब आ जाएगा, जब हम इस साइड में ई लगा देंगे। इस ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल होता है, चरघातांकी होता है। यहाँ भी ई लगा देंगे तो अब ये वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ भी ई रहेगा, यहाँ भी ई रहेगा, यहाँ पे अब केवल ई का पावर माइनस जे, ठीक है ना, जे थीटा का वैल्यू इतना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ज्ञात हो जाएगा ये। तो हम इसकी तुलना किससे कर देंगे, ये हो जाएगा आपका ई बराबर, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस जे वाई, इस समीकरण से तुलना कर देंगे, ये आराम से ज्ञात हो जाएगा, यही सदिश राशियों का घातीय रूप कहलाता है। तो फ्रेंड्स इस समीकरण को हम सदिश राशियों का कौन सा रूप कहते हैं, घातीय रूप कहते हैं। तथा ई आंकिक मान का सदिश प्रदर्शन करता है और इसके स्थान पर यहाँ पर सदिश कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। यहाँ दोस्तों जेड बराबर हो सकता है, जेड बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड, और यहाँ पर लिख लेंगे ई का पावर प्लस जे थीटा। अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि जेड बराबर उसने दे दिया, कितना दे दिया, 20 दे दिया, और यहाँ पर दे दिया ई का पावर माइनस जे, जे 45 डिग्री दे दिया, ठीक है ना, 45 डिग्री दे दी, और इसमें आर का मान पूछ दिया, ठीक है ना, आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और एक्स सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दो चीजें इसने पूछ दी। अब क्या करेंगे, अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो जेड बराबर 20 यहीं रख देंगे और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले पहले लिखेंगे, कितना लिखेंगे, कॉस 45 लिखेंगे, फिर माइनस यहाँ पर जे लिखेंगे और ये साइन 45 लिखेंगे, ठीक है ना। इतना डिग्री लिखने के बाद अब क्या करेंगे, जे इक्वल टू इस 20 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 20, और इसका वैल्यू रखेंगे, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और माइनस यहाँ पर जे रख देंगे फिर से 20, और साइन 45 का वैल्यू भी √1/2 होता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, तो जेड बराबर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20 20 20/√2, और ये माइनस हो जाएगा जे 20/√2, आर का वैल्यू तुम्हारा जो है वो कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू
फ्रेंड्स यहाँ से जो जैसे यहाँ पर 20 दिया है, ठीक है ना, 20 दिया है, आपने 1/√2 लिखा है, इसको हम 1/√2 से जो √2 है ना इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो वैल्यू है ना ये आपका 20 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, अपान इन दोनों को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो 10√2 हो जाएगा। अब 10√2 है तो यहाँ पर 10 रखेंगे और √2 का वैल्यू रख देंगे 1.414। तो दोस्तों आपका यहाँ पर फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.14। तो यहाँ पर जेड का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.14, और माइनस जे यहाँ भी हो जाएगा आपका 14.14, ठीक है ना, 14.14। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी ये आपकी आर का मान ये हो गया और एक्स सी का मान ये हो गया, ठीक है दोस्तों, एक्स सी का मान ये हो गया। अर्थात इस वाले समीकरण में 45 डिग्री दिया था और माइनस में दिया था, तो ये आपका धरती का वैल्यू हो गया और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, और दोनों का वैल्यू यहाँ से बराबर बराबर आपका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या करते हैं, इस प्रकार वैल्यू आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और बचा हुआ है, ध्रुवीय रूप होता है, तो ये सदिश राशियों का जो ध्रुवीय रूप है प्रदर्शन है, इसको पोलर फॉर्म के नाम से या वेक्टर वेक्टर रेसिप्रोकेशन के नाम से जानते हैं। रेसिप्रोकेशन का मतलब होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं इसको। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कौन सा रूप दिया गया, ये रूप दिया गया, तो यहाँ से जैसे मान लो उसने ई बराबर लिख दिया, ई बराबर ई, और कोण उसने लिख दिया थीटा, या फिर लिख दिया ई इक्वल टू ई, और ये वाला ई मोड में रहता है याद रखना, ठीक है ना, और यहाँ पर लिख दिया कोण माइनस का थीटा लिख दिया। अगर ये प्लस में लिखा है तो ये समीकरण आपका प्रेरकीय है, अगर ये माइनस में लिखा है मतलब अगर प्लस में लिखा है तो समीकरण आपका आरियल है, अगर ये माइनस में लिखा है तो आपका समीकरण कौन सा है दोस्तों, आरसी समीकरण है। और इसके लिए अगर हम इस डिटेल को अगर सॉल्व करते हैं तो आपका आएगा ई बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, ई हो जाएगा, ठीक है ना। और ब्रैकेट के अंदर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या, कॉस लिखेंगे, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम कॉस का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस जे आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो इससे हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको हल कर लेंगे, जब हल करेंगे तो लास्ट में आप क्या करेंगे, ए इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई से, यहाँ पर प्लस लगा है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर कुछ है नहीं, प्लस या माइनस तो हम प्लस हमेशा मानते हैं, तो ये समीकरण आपको इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। और इसमें आपके जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपको प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है, और ये वैल्यू वैल्यू आपको जो है ना प्रतिघात को प्रदर्शित करती है। और इस वाले समीकरण के लिए अगर हम हल करेंगे यहाँ पर आपका ई बराबर आ जाएगा, ये ई हो जाएगा, और यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा और माइनस का जे साइन थीटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसकी इसकी तुलना हम करेंगे तो इसकी तुलना करेंगे एक्स माइनस जे वाई से करेंगे, तो ये वाई जो है यहाँ पर आपको धरती दिखाएगा और एक्स जो है ये प्रेरकीय दिखाएगा, ये आपकी आर की वैल्यू निकलेगी और ये आपकी एक्स सी की वैल्यू निकलेगी। यहाँ दोस्तों ये आपकी आर की वैल्यू निकलेगी, ये आपकी एक्स एल की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना, ये एल की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हम इन सभी को हल कर सकते हैं, बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं, और इसके आंसर भी खूब निकलते हैं ऐसे ही से। जैसे यहाँ पर अभी हम बता रहे थे, अगर ये आपका माइनस में दिया गया है तो इसको हम कौन सा मानते हैं, तो इसको हम कौन सा मानते हैं, धरती मानते हैं, ठीक है ना, धरती मानते हैं। अगर यहीं पर माइनस के स्थान पे प्लस हो जाएगा तो प्रेरकीय हो जाएगा, और सामान्य व्यंजक जो है ना ये होता है ई और कोण और प्लस माइनस थीटा। फ्रेंड्स इसके और भी समीकरण हो सकते हैं, जैसे मान करके चलिए कि उबी का दिया गया, ओबी बराबर दिया गया 10, और एंगल में दे दिया यहाँ पर 40 डिग्री ऐसे दे दिया, और फिर आई बराबर यहाँ पर दे दिया 15, या आई बराबर 5 दे दिया, और कोण में दे दिया, कोण में दे दिया जान करके चलिए कि 10 डिग्री दे दिया, ठीक है ना, और यहीं पर जेड का मान पूछ दिया कि प्रतिबाधा कितनी होगी। तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, तो वी इक्वल टू होता है, वी इक्वल टू होता है आई जेड, तो जेड बराबर आपका क्या हो जाएगा, जेड बराबर वी अपान आई हो जाएगा। ये प्रति एसी सर्किट में ओम का नियम है, किसमें, एसी परिपथों में, एसी परिपथ जो होते हैं ना, एसी परिपथ में इसको हम किस नियम के नाम से जानते हैं, एसी परिपथ में इसको ओम के नियम के नाम से जानते हैं, कौन सा, ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जेड बराबर ऊपर रख देंगे कौन सा, 10
एंगल 40, और अपन नीचे रख देंगे कितना 5 एंगल 10। ठीक है, जो भाग का नियम होता है वो इधर वाले में रूल लगाइए, तो इधर फ्रेंड्स आपका 2 आ जाएगा, तो जेड बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जेड बराबर तुम्हारा कितना आएगा यहाँ पर, तो जेड बराबर तुम्हारा यहाँ पर जेड इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, तो जेड इक्वल टू 2 आ रहा है। अब एंगल का क्या करेंगे, जब दोस्तों भाग दिया जाता है तो एंगल को आपस में घटा दिया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 माइनस 10, तो यहाँ पर जेड का वैल्यू जो है ना आपका बनेगा 2 और एंगल 30 डिग्री। अब इसी वैल्यू को हल कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर रख देंगे cos 30 डिग्री रख देंगे, और ये हो जाएगा प्लस का साइन जे आ जाएगा, sin 30 डिग्री रख देंगे। ठीक है ना, sin 30 डिग्री रख देंगे। अब आगे वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या होगी, तो ये 2 आ जाएगा और cos 30 का मान रख देंगे, √3/2 होता है, और प्लस यहाँ पर जे जे रख देंगे, और ये बाहर से मल्टीप्लाई अंदर हम कर रहे हैं दोनों संख्याओं में, यहाँ 2 आएगा और इसका वैल्यू 1/2 होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 2√3 और बाई √2 हो जाएगा, और प्लस ये आपका जे अकेला बचेगा, तो यहाँ आर का वैल्यू तुम्हारा कितना बचेगा, आर का वैल्यू 2√3 और वाई √2 हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्सएल का वैल्यू आपका आ जाएगा 1। ठीक है ना, और ये दोनों वैल्यू कितने किस में आएंगे, तुम्हारी ओम में आएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इन समीकरणों को हल कर लिया जाता है। अब यहीं पर अगर ये गुणा में आ जाए, तो गुणा में आने का मतलब, जैसे मान लो यहाँ पर जेड का मान दिया है, जेड का मान उसने दे दिया 10 ओम दे दिया। ठीक है ना, 10 कोण 10 कोण 15 डिग्री दे दिया। ठीक है ना, और धारा का मान I बराबर उसने दे दिया 5 कोण 5 कोण 3 डिग्री दे दिया, इस प्रकार से दे दिया, तो V का मान कैसे आ जाएगा, तो V का मान आ जाएगा 10, और एंगल का यहाँ पर 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, और गुणा कर देंगे कितना 5, और एंगल का 3 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसमें, तो ये वाली जो आगे वाली जो संख्याएं होती हैं दोस्तों, इन संख्याओं को हम क्या करते हैं, आपस में सामान्य जैसे गुणा होता है ना वैसे गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 10 × 5। ठीक है ना, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और फिर एंगल लगाएंगे, जब एंगल लगाएंगे तो यहाँ पर गुणा में ये कोणों को क्या किया जाता है, जो कोण होते हैं दोस्तों ये गुणा में जुड़ जाते हैं, तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी बनी जा करके, ये हो जाएगा 15√, और ये हो जाएगा यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, तो 15 और 3 18 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 15√18 डिग्री यहाँ पर आपके प्राप्त हो जाएंगे वी बराबर, तो वोल्टेज आपकी इतनी बन गई जा करके। ठीक है ना, अब इसके बाद आगे चाहो तो इसको हल कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो समीकरण थे, इन समीकरणों के आधार पर SSC JEE जो है ना, SSC JEE की जो परीक्षा है, इसमें अभी जो 9 तारीख को हुई थी, 9/10/2000 कब, 2023 को। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी, 9 और 10। ठीक है ना, 9/10/2023 को जो एग्जाम था उसमें लगभग इसमें से 10 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों की UPPCL की TE2 परीक्षा में ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो अपना तैयार रहना, और यहाँ पर जो है इनके चारों के रूप एक साथ दे दिए गए हैं। संक्षेप में सदिश राशियों को निम्न रूप में लिखा जा सकता है, तो कौन सी है, सांकेतिक या आयताकार रूप, यहाँ पर दिया गया E=X+JY, इसमें ये आर को प्रदर्शित करता है और ये एक्स को प्रदर्शित करता है, यहाँ पर जैसे मैंने लिख रखा है, परिणामी हम बड़े आराम से इसके बाद जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं। और यहाँ पर त्रिकोणमिति रूप में इसको दिया गया, त्रिकोणमिति रूप में हम ऐसे लिखते हैं, और घातांकी रूप में दिया गया जैसे कि बता दिए थे, ये आपका mod e और e का पावर +-j θ होता है, और ध्रुवीय रूप आपका ये वाला कहलाता है कोण वाला। तो इसमें मैंने दोस्तों सभी प्रकार के क्वेश्चन को हल करने की कोशिश की है, यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे उठाए गए थे, जैसे यहाँ पर दिया था उसने, जैसे दे दिया जेड बराबर दे दिया इसने जैसे 4, और यहाँ पर दे दिया उसने +j3, और इसी में उसने पूछ दिया फाइनल फ्रेंड्स आर का मान क्या है। ठीक है ना, और एक्स का मान क्या है, तो यहाँ आर और एक्स का मान कुछ एकदम साधारण था, इसको को यहाँ रख दीजिए और को यहाँ रख दीजिए, तो ये इसके वैल्यू हो गए। परंतु इसी की जैसा उसमें कोई दूसरा प्रश्न पूछा था दोस्तों, हम प्रश्न यहाँ पर लिख करके आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन उसमें दिया था जैसे वाई बराबर यहाँ दिया था, ये दिया था 3+ और j4, ये क्वेश्चन दिया था, और इसमें उसने r का मान पूछा था, तो हम r का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर होता है 1/, ठीक है ना, 1/y, और z बराबर इतना होता है, तो दोस्तों हम y का मान यहाँ रख देंगे, कितना हो जाएगा 3+j4 हो जाएगा, संयुग्मी से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3-j4 हो जाएगा। जब हम संयुग्मी लेते हैं तो नीचे वाली जो संख्या ये है, तो इसका हम जो निशान यहाँ का रहता है इसको चेंज करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस j 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनका नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे कि मैंने ऊपर अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पर j 4 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, और माइनस का प्लस में बदल जाएगा, यहाँ पर जे स्क्वायर के कारण दोनों का जे स्क्वायर करेंगे, और जे स्क्वायर का जो वैल्यू होता है ये -1 होता है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और जे स्क्वायर का वैल्यू हम -1 रखेंगे तो यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस j 4 हो जाएगा, और अपान आपका यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम कितना रख सकते हैं, यहाँ पर हम रख सकते हैं 3/25, और यहाँ पर हम रख सकते हैं जे -j और 4/25। तो दोस्तों ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला एग्जाम में आया था, तो ये आपका आर का वैल्यू पूछा था, तो ये आर हो गया, और इधर वाला ये आपका कितना 4/25 है ना, तो ये 4/25 है, तो ये वैल्यू तुम्हारा किसका है, ये 4/25 जो वैल्यू है ना, ये आपका एस एस सी का मान है, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो ये एस एस सी का मान होगा। तो ये आपके एस एस सी जो जेई का परीक्षा हुआ है ना, एस एस सी जेई, ठीक है, कब, 9/10/2023 को, तो इस एग्जाम में दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों कैसा रहा हमारा आज का वीडियो, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों में जरूर शेयर कर दिया करें प्लीज़। दोस्तों आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी सर्च करके लाते हैं और फुल डिटेल बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी ये लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसी से आधारित यहाँ पर प्रश्न था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो जो ये जो सांकेतिक रूप जो है ना, ये सांकेतिक रूप से संबंधित आपका क्वेश्चन था, यहाँ हम बताने की कोशिश कर रहे थे, मैंने कह दिया था आपको लास्ट में बताएंगे, ये देखो फुल डिटेल मैंने यहाँ पर बता रखा है, इसी से रिलेटेड यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन आ गया था, ये भी दी गई है। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।